उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुट गई। अपने पीछे वो 2 बेटे 1 बेटी छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाथा पर समर्थकों की भीड़ जुट गई है। करीब 2 साल से बीमार चल रहे पंडित हरिशंकर तिवारी का शाम 7:45 बजे उनके धर्मशाला स्थित हाथा आवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बढ़लगंज स्थित मुक्ति धाम पर किया जाएगा। पंडित हरिशंकर तिवारी को मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे बेचैनी महसूस हुई। इसके बाद उनके पारिवारिक डॉक्टर विजय पांडे को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने तिवारी को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पूर्वांचल के ब्राह्मणों में अच्छी पैठ रखने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी ऐसी शख्सियत थे जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे। सूबे में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आई, उसने अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी। 6 बार विधायक रहे तो 5 बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला था।